हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री में नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जो आपका टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड है। तो सबसे पहले देखते हैं टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या है। जैसे कि आप पॉलीनोमियल्स में अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ तो पढ़ चुके हो, बट आप यहाँ पे टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ोगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट आइडेंटिटी जो है, टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर का सम 1 होगा जब दोनों का एंगल सेम होगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो थीटा है वो सेम होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, ठीक है। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। अगर आप ये फर्स्ट आइडेंटिटी लर्न करते हैं तो बाकी की दो आइडेंटिटीज़ आपकी इसी से आ जाएगी। जैसे अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉस को मैं इधर लेकर गई तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर मुझे कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा की, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊंगी तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक आप आइडेंटिटी लर्न करेंगे, बाकी के दो आपके उसी से आ जाएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1, ठीक है। और इससे भी आपकी बाकी की दो आइडेंटिटीज़ वैसे ही आ जाएगी। अगर मुझे sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अगर मुझे tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज 1, और इसकी हेल्प से ही बाकी की कॉसिक स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आप निकाल सकते हो। मतलब आप एक आइडेंटिटी लर्न करेंगे और बाकी की दो जो है उसी की हेल्प से बन जाएगी। कुछ कन्वर्जेंस हैं जो हमें यहाँ यूज़ करेंगे, जैसे tan थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्योंकि tan थीटा का रेसिप्रोकल है तो tan cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर लो, cos थीटा अपॉन sin थीटा। cosec आपको मैंने पहले भी बताया था इज़ रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा, एंड sec इज़ रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, तो इसे 1 अपॉन cos थीटा लिख लेंगे। तो ये कुछ आपके कन्वर्जेंस, कैसे चेंज करते हैं sin cos में, और आइडेंटिटीज़, इनकी हेल्प से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में बेटा आपका सारा प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए जब भी प्रूफ करने का क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम उसे साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। अगर मैं साइन कॉस में चेंज कर लूँ तो जो मेरा फर्स्ट 3 आइडेंटिटी है उसकी हेल्प से ही हो जाएगा। तो यहाँ आपका फर्स्ट पार्ट लिया मैंने 5th क्वेश्चन का, कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो बेटा जब आपको प्रूफ करना है तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या तो आप LHS ले लो RHS के इक्वल कर दो, या आप RHS ले लो LHS के इक्वल कर लो, या दोनों को अलग अलग सॉल्व करके दोनों को इक्वल ला दो। तो आप किसी भी मैथड को अप्लाई कर सकते हो, तीनों मेथड आपका करेक्ट है। यहाँ मैंने क्या किया, मैं LHS ले लिया, ठीक है, मैंने LHS ले लिया, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर लिया। अब मैं इसको सॉल्व करके मैं चाह रही हूँ ये लिया, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि जब भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप उसे साइन कॉस में चेंज कीजिए, ठीक है। तो साइन कॉस में मैंने भी इसे चेंज किया है, मैंने कॉसिक को लिख लिया है 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अभी मैंने आपको बताया था कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। मैंने ये चेंज कर लिया, फिर मैंने क्या किया, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस करना है मुझे, तो कैसे करेंगे हम, LCM लेके दोनों के नीचे साइन थीटा है तो सिंपल आपका साइन थीटा एलसीएम आ गया, और जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर के नंबर भी सेम आ जाएंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, और ये बाहर आपका होल स्क्वायर था, ये होल स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, मैंने दोनों को दे दिया। अब देखो
नीचे जो साइन स्क्वायर थीटा है, मुझे जो प्रूव करना है ना उसमें ऊपर तो कॉस थीटा है 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे भी चाहिए मुझे कॉस थीटा के फॉर्म में। तो मैं क्या लिख सकती हूँ आइडेंटिटी यूज़ करके, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकती हूँ मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट स्टेप में मैंने यही किया, मैंने क्या किया साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा को होल स्क्वायर। देखो बेटा 1 का स्क्वायर 1 और कॉस थीटा को होल स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं इसे इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। और ये मेरा कैसे बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन गया। और इसे मैं एक बार प्लस और एक बार माइनस, जो एलजेब्रिक आइडेंटिटी आपकी थर्ड उसको यूज़ कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैंने यही किया, इसको एक बार इन दोनों के बीच में प्लस, एक बार इन दोनों के बीच में माइनस, ए की जगह आपका वन है और बी की जगह कॉस थीटा है। अब देखो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। अब एक ये मल्टीप्लाई में तो 1 माइनस कॉस थीटा से एक पावर कट गया, क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और यही आपका प्रूफ करना था, तो ये आ गया आपका RHS की को। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, साइन कॉस में चेंज किया और फिर उसे सिंपल जैसे भी LCM लेके सॉल्व किया, और कुछ हमने आइडेंटिटी यूज़ करके फिर उसे सॉल्व कर लिया। अब मैंने इसका ही सेकेंड पार्ट लिया है, देखो इसमें आपको ये प्रूफ करना है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूँ तो मेरे पास RHS में ना सिर्फ sec थीटा है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, बट मेरे पास LHS में बहुत कुछ है, तो क्यों ना मैं LHS लेके स्टार्ट करूँ। मैंने LHS लिया, मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया साइन कॉस में चेंज करो, बट बेटा यहाँ आप देखोगे ध्यान से सब साइन कॉस में पहले से हैं, तो यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब चेंज नहीं करना तो उसके बाद क्या करना आपको, LCM लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस है तो मैंने LCM ले लिया। अगर LCM में कैसे लेते हैं, अगर दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, दोनों का प्रोडक्ट ले लिया और ऊपर क्या आता है ये इंटू ये, और बीच में क्या साइन है प्लस ये इंटू ये, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो ये मैंने प्लस कर लिया, अब ये तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर से खुलेगा। देखो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आइडेंटिटी यूज़ कर ली मैंने, ए की जगह 1 और बी की जगह साइन थीटा, नीचे आपका वैसे ही आ रहा है। अब देखो ऊपर मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, मैं क्या लिख सकती हूँ इसकी जगह, देखो 1 लिख सकती हूँ ना, आइडेंटिटी है, तो ये 1 और ये 1, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा, ये स्टेप आ गया। अब देखिए 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन थीटा, नीचे मैं कुछ चेंज नहीं कर रही हूँ, अभी नीचे मेरा वैसे ही आ रहा है। अब देखो बेटा ऊपर से मैं क्या कर सकती हूँ, ऊपर से मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकती हूँ, मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 बाहर गया क्या बचा 1, और इसका 2 बाहर गया क्या बचा साइन थीटा, तो अंदर क्या आया 1 प्लस साइन थीटा। अब ये मल्टीप्लाई में है, ऊपर भी ये मल्टीप्लाई में, तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, और क्या आ गया हमारा 2, और नीचे क्या बचा ये कॉस थीटा, और 2 अपॉन कॉस थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, एक ही बात है, और 1 अपॉन कॉस थीटा इज sec थीटा। और देखो ये आपका आ गया ना RHS। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी का मैंने एक क्वेश्चन एक पार्ट और लिया है, 6th पार्ट। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये अंडर रूट में है, तो जब भी रूट की बात होती है बेटा तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से रूट का क्वेश्चन होता है तो हम रूट वाला साइड ही हमेशा लेते हैं। ठीक है, और इसे रूट से बाहर निकालते हैं, और रूट से बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। जैसे कंजुगेट क्या होता है कि जो भी नंबर से उसके बीच का साइन अगर प्लस है तो माइनस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दिया, चेंज कर देते हैं।
जैसे आपने 9th क्लास में रैशनलाइज द डिनोमिनेटर किया है, उसमें भी हम कंजुगेट से करते थे ना मल्टीप्लाई, वही काम हम यहाँ करेंगे। तो इसके लिए देखो मैंने क्या किया है, अब मैंने LHS ले लिया, मैंने नीचे का डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन ए है, तो इसका बीच का साइन चेंज करेंगे तो 1 प्लस साइन ए, उसी से मल्टीप्लाई किया और उसी से डिवाइड कर दिया 1 प्लस साइन ए से। जब सेम नंबर है, ये देखो ये 1 प्लस साइन है और ये 1 प्लस साइन है, एक तरीके से सेम है तो कट के क्या हो गया 1, एक तरीके से मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर चेंज नहीं होता है, इसीलिए जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये कर दिया। अब मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे होता है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे अगर देखोगे तो एक बार माइनस है एक बार प्लस है, सेम नंबर है एक बार माइनस और एक बार प्लस, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए की जगह आपका 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, तो ये बन गया। और ये आपका क्या आ गया, ऊपर तो आपका यही है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो आइडेंटिटी से, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और ये पूरे को मैंने होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, 1 प्लस साइन ए अपन कॉस ए का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर से ये रूट आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये जो टर्म है वो आपका रूट से बाहर आ गया, तो रूट से बाहर क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। मैंने क्या किया, ये जो आपका कॉस ए है इसको मैंने दोनों के नीचे सेपरेट किया। ठीक है, कर सकते, देखो 1 के नीचे अलग कर दिया और साइन ए अपॉन कॉस ए अलग लिख दिया, ये किया है। आप चाहो तो इसे सॉल्व करके देखो, ये वापस आ जाएगा, एलसीएम ले लिया कॉस ए और ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए, तो इसे आप चाहो तो चेक करके देखो यही वापस आएगा, तो इसे आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि हमें नीड है, हमें ये अलग अलग चाहिए। अब देखो 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकती हूँ मैं, सेक ए, और साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकती हूँ मैं, टेन ए। ठीक है, तो ये मेरा सेक ए प्लस टेन ए आ गया, और ये सेक ए प्लस टेन ए क्या है, आर एच एस है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो आप भी कुछ क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर।